आपका एम एस चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, एक व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन आया है, नाम नहीं है उसमें, फ़ोन नंबर है। तो उनका कहना था कि एक शर्ट के, सिल्क के शर्ट के ऊपर उन्होंने स्टेन निकालने के लिए उस पर हाइपो लगाया, तो वो दाग तो निकल गया लेकिन वहाँ पे एक धब्बा पड़ गया है। तो है क्या कि जब भी हम सिल्क के ऊपर यूज़ करते हैं कोई केमिकल, तो मैंने पीछे कई वीडियो बनाए कि प्योर सिल्क के ऊपर आप कोई भी क्लोरीन केमिकल यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया है। तो उसके बाद ये जो पीला धब्बा है, ये पीला धब्बा तो आप स्टेन नहीं होता, तब लगाते तब भी पड़ता, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब भी सिल्क के ऊपर आप दाग निकालने की कोशिश करें, उसको ब्लीच करें, तो ब्लीच के लिए इसके लिए होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी 50% का और मीठा सोडा। ये है, बाकी आप किसी भी अन्य किसी वाइट कपड़े पे भी लगाएंगे, अगर मान लो आपने क्लोरीन कोई भी लगा दिया और पीला धब्बा पड़ जाए, तो उसके लिए आपको उसमें रंग काट करना होता है। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हाइपो या ब्लीच करते टाइम हमें किन चीज़ों की बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो जो कार्यस्थल है, जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई रंगीन कपड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जिस कपड़े को हम हाइपो या ब्लीच कर रहे हैं, तो उसको गीला करके और निचोड़ के जो केमिकल है उसके अंदर डालें, क्योंकि होता क्या कि हम केमिकल जब कपड़े को डालते हैं तो कपड़े में हवा भर के वो पानी की सतह से ऊपर रह जाता है, क्योंकि हवा के कारण। तो उसमें क्या है कि जो कपड़ा केमिकल में डूबा हुआ है वो वाइट हो जाएगा, बाकी जो हिस्सा ऊपर रह जाएगा उसमें पीलापन आ जाएगा, वो धब्बा आ जाएगा। उसको आप फिर कितना भी उसको आप डिप करें, क्योंकि डिप करेंगे जो ऊपर का जो पार्ट है उसमें टाइम कम लगेगा, और नीचे वाला है वो ऑलरेडी आप पहले उसको डिप कर चुके हो, तो उसमें इक्वलिटी नहीं आएगी। तो जब भी आपको करें तो कपड़े को निचोड़ के और झाड़ के उसको तली की तरफ लेके जाएं आराम से, और चाहे तो कोई और वेस्ट कपड़ा, जो मोटा कपड़ा, उसके ऊपर ढक दें। तो उससे क्या है कि वो कपड़ा है जो वो नीचे दबा रहेगा, क्योंकि अक्सर देखा जैसे कपड़ा होता है, बड़ा कपड़ा है, मान लो कोई चादर है बड़ी, या कोई कुर्ता है कोई स्टाफ का बड़ा कपड़ा है, तो पानी में डाल देते हैं और हम अपने और काम में लग जाते हैं, चलो हमने ब्लीच में या हाइपो में डाल दिया, लेकिन वहाँ वो धब्बा पड़ जाता है। तो ये इससे बचने, ये छोटी जो बारीकियाँ होती हैं। अच्छा, और एक काम क्या होता है कि हमने ब्लीच का हाइपो का पानी बनाया और उसमें कपड़े को डाला, उसके बाद हाथ गीले हैं तो हमने ऐसे झाड़ दिए, और वो रंगीन कपड़े आसपास पड़े होंगे उस पर उसके छींटे पड़ जाएंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसे करके निकलें कपड़े को डाल के अपने हाथ को सादा पानी में एक बार डालें, सादा पानी पास में रखें उसके अंदर डालें, उसके बाद हाथ को पोंछ लें, और नहीं पोंछोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ पे चिपकता नहीं है ये। तो ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बाकी जब कपड़े को आपको हाइपो ब्लीच करना, तो उसको पहले आप कलर वाइज छांटें, कलर का मतलब है वाइट और वाइट, उसको फिर कैटेगरी वाइज छांटें, कुछ कपड़े पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, किसको कितनी देर डिप करना है। बाकी सिल्क की जो पहचान होती है, सिल्क की पहचान क्या है, एक तो सॉफ्ट होता है, और डुप्लीकेसी के इस ज़माने में नहीं पता लगता है, फिर भी उसके जो धागे को निकाल के जलाओगे तो, क्योंकि जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इसकी नॉलेज होती है, अनुभव हो जाता है, लेकिन ना पता तो उसका धागा निकालो, जलाओगे तो उसमें जैसे बाल होते हैं, बाल की स्मेल आएगी। बाकी जो पॉलिएस्टर या ऐसे डुप्लीकेसी वाला होता है, उसमें प्लास्टिक जलने की बदबू आएगी उसमें। बाकी काम जैसे जैसे करते हो वैसे वैसे इसकी नॉलेज भी हो जाती है। बाकी बात रहेगी इस पर, सेल के ऊपर अगर हमारा धब्बा पड़ गया तो उसे निकालने के लिए हम उस पर सोडियम हाइड्रोसल्फेट रंग कार्ड लगाएं तो उससे निकल जाएगा। तो बाकी ये छोटी छोटी टिप्स काफ़ी काम की होती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें सब बताते हैं, छोटी चीज़ें बताने में थोड़ी कोई इनको बताने का थोड़ी ज़रूरत ही नहीं समझते लोग, लेकिन ये आपको ज़िंदगी में उतारनी है, आपको अगर मान लो सक्सेस होना है तो। बाकी कोरोना वायरस से सजग रहें, सावधान रहें, आप सुरक्षित हैं तो हमारा घर परिवार, गली मोहल्ला, गांव शहर
पूरा देश सुरक्षित है। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।